एवरीवन वेलकम बैक टू आर चैनल सो आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कॉमर्स की एक टर्म जिसका नाम है डेथ ट्रैप अब ये टर्म बहुत ज्यादा जरूरी है समझना ना सिर्फ कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए बल्कि हर इंसान के लिए रीजन बीइंग ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें कोई इंसान अगर एक बार पढ़ जाता है तो निकलना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है तो इसके लिए हमें पहले पता होना चाहिए कि यह होता क्या है ताकि हम इससे बच सकें सो डेड ट्रैप को हम समझेंगे बहुत ही बेसिक एग्जाम्पल से ये है मिस्टर अनुज कपाड़िया फ्रॉम अनुपमा शो मिस्टर अनुज कपाड़िया करना चाहते थे अनुपमा जी को इम्प्रेस तो उन्होंने सोचा एक बढ़िया सी लंबी सी कार लेता हूं ताकि अनुपमा देख के खुश हो जाए अब इनको रियलाइज हुआ कि इनकी पूरी प्रॉपर्टी तो इनकी बहन ने ले ली है इनके पास तो कुछ बचा नहीं है अब पैसे कहाँ से आएंगे नई गाड़ी लेने के लिए फिर इनको याद आया कि ये तो अनुज कपाड़िया है पूरे मार्केट में इनका इतना नाम है क्यों ना ये बैंक से लोन ले लें बहुत बढ़िया सोचा और सोचते ही पहुंच गए ये बैंक के पास और इन्होंने बोला बैंक मुझे कार खरीदनी है और उसके लिए मुझे लोन चाहिए बैंक ने बोला सर आपको तो सब जानते हैं लोन चाहिए ना हम करवा देते हैं और इनका हो गया लोन अप्रूव और इन्होंने खरीद ली एक बढ़िया सी गाड़ी गाड़ी खरीदने के अगले महीने जब बैंक की तरफ से मैसेज आया कि भाई साहब आपको उस लोन के चलते हुए इंटरेस्ट पे करना है तो ही स्टार्टेड क्राइंग बिकॉज इनके पास पैसे तो थे ही नहीं इंटरेस्ट अमाउंट पे करने के लिए अब ये सोच रहे कि भैया पैसे तो है नहीं इंटरेस्ट कहाँ से पे करूं बैंक वाले तो गाड़ी उठा के ले जाएंगे अब मैं क्या करूं फिर इनको आइडिया आया कि जब मैं दी अनुज कपाड़िया हुआ करता था तो बहुत सारे लोग मेरे फ्रेंड्स थे जिनके पास बहुत सारा पैसा था क्यों ना अब मैं इंटरेस्ट के लिए उनसे लोन ले लूं बहुत नेक ख्याल था मतलब ऐसा तो देखने में लग रहा है ना लेकिन कितना नेक ख्याल था वो तो एंड में पता चलेगा अब ये गए कहाँ पे अपने अमीरजादे दोस्तों के पास और उनको बोला आप मुझे क्या दे दो लोन दे दो अमीर अमीरजादे दोस्त भी अनुज कपाड़िया के ऑब्वियसली नाम से वो थे तो उन्होंने भी लोन दे दिया यहाँ पे पूरी सिचुएशन को अगर आप एनालाइज करो तो आपको क्या समझ में आया कि एक इंसान है जिसने एक लोन लिया और उसका भुगतान करने के लिए अब ये दूसरा लोन ले रहा है और फिर शायद हो सकता है सेकेंड वाले लोन का भुगतान करने के लिए तीसरा लोन ले और ऐसे लोन लेता रहे लेता रहे तो ये अपने आप को एक ट्रैप में फंसा रहा है जिसे हम बोलते हैं डेट ट्रैप क्यों क्योंकि डेट मतलब कर्ज तो ये क्या कर रहे हैं अपने आप को कर्जे में दबाए जा रहे हैं दबाए जा रहे हैं सो so, डेट ट्रैप बेसिकली एक ऐसी सिचुएशन होती है वेर यूर फोर्स टू टेक फ्रेश लोन्स टू रिपे योर एग्जिस्टिंग डेट ऑब्लिगेशन मतलब आपकी एग्जिस्टिंग जो डेट की कर्ज की ऑब्लिगेशन हैं, उनको पे करने के लिए आपको आपको दूसरा लोन लेना पड़ रहा है फिर आपको और लोन लेना पड़ रहा है सच अ सिचुएशन टिपिकली अराइजेस वेन योर डेट ऑब्लिगेशन एक्सीड योर रिपेमेंट कैपेसिटी सिचुएशन कब आती है जब आपकी आमदनी चवन्नी हो और खर्चा रुपया हो ये डायलॉग तो आपने पक्का सुना ही होगा किसी ना किसी मूवी में इसका मतलब ये होता है कि जब आपकी इनकम बहुत कम होती है लेकिन आपके एक्सपेंडिचर्स बहुत ज्यादा होते हैं तो ऐसे सिचुएशन के चलते हुए आप डेट लेना शुरू कर देते हैं और एक बार डेट की लत आपको लग जाती है तो वो आपको डेट ट्रैप तक कब ले जाती है आपको पता ही नहीं चलता सो डेट ट्रैप एक बहुत ही बुरी सिचुएशन होती है जिससे हर एक इंसान को अपने आप को दूर रखना चाहिए आई होप आपको इस वर्ड का मतलब अच्छे से समझ में आ गया है अगर कोई भी डाउट है आप कॉमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं विद दैट अगर आपको कोई पर्टिकुलर टॉपिक पे वीडियो चाहिए तो उसकी रिक्वेस्ट भी आप प्लेस कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में दैट सेट फॉर दिस वीडियो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग इट एंड डू लाइक एंड सब्सक्राइब दिस चैनल